हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बनाएंगे चंद्रकला मैदे से। उसके लिए हमने सामान लिया है, मैदा लिए करीब 150 ग्राम मैंने मैदा ली है, और शक्कर लिए 150 ग्राम शक्कर ली है, और किशमिश और बादाम ये हमने काट लिए हैं, थोड़ी सी चेरी ली है रेड कलर की, और इलायची पाउडर लिया है, और मावा लिया है, और ये देसी घी लिया है मैंने, वो पिघला हुआ है। अब सबसे पहले हम मावे को भून लेंगे। इसको अच्छे से हम मावे को भून लेंगे। मेरा मावा पहले से थोड़ा ब्राउन कलर का है, इसलिए मुझे कम भूनना पड़ेगा। यदि आपका व्हाइट कलर का है तो उसे अच्छे से ब्राउन कलर का भून लें। इस तरीके से हमने इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर सेक लिया है, और ये ब्राउन कलर का हो चुका है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने का इंतजार करेंगे। हम मावे को अच्छा ब्राउन नहीं करेंगे, यदि कच्चा रह जाएगा तो हमारी चंद्रकला बहुत जल्दी से ख़राब हो जाएगी। यदि ये अच्छे से सिकाऊ मावा है तो हमारी चंद्रकला 1 महीने तक भी ख़राब नहीं होगी। अब हम इसको ठंडा होने का इंतजार करेंगे। अब हम मैदा तैयार करते हैं। इस मैदे में हमने पिघला हुआ घी यूज किया है, हमें करीब 4 चम्मच घी डालूंगी मोइन के लिए, और इसको हम चेक कर लेंगे कि कितना है हमारा मोइन, ठीक है या नहीं। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स होने के बाद हम चेक करते हैं कि इसका लड्डू जैसा बनता है नहीं। अभी हमने मोइन अच्छे से मिक्स कर लिया, अब देखते हैं बिल्कुल लड्डू जैसा बनने लगा हमारा मोइन, इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी हम एक साथ ऐड नहीं करेंगे क्योंकि मैदा पतली हो जाएगी। इस तरीके से हम इस डो को तैयार कर लिया। हमारी मैदा इस तरीके से तैयार हो गई। देखिए, ना ये ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा टाइट है, इस तरीके से हमने इसको तैयार कर लिया। और अब हम इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए ढककर रख देंगे। इस तरीके हम इसको ढक के रख देंगे। इतने हमारी मैदा तैयार होगी, इतने हम गैस जलाएंगे और इसमें पानी डालेंगे, और इसके लिए चाशनी तैयार कर लेंगे। जब तक एक तार की चाशनी तैयार नहीं होगी हम इसको पकाते रहेंगे। इस तरीके से हमारी चाशनी तैयार हो गई। देखिए, एक तार गाएंगे, ज़्यादा गाढ़ी नहीं, हमको चाशनी नहीं बनानी है, वरना बहुत ज़्यादा मीठी हो जाती है चंद्रकला और अच्छी भी नहीं लगती है। हमको सिर्फ पतली सी चाशनी ही चढ़ानी है उस पर। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और हमने जो मैदा ली थी उसको हम चेक करते हैं। देखिए कितनी अच्छे से तैयार हो चुकी है 15 मिनट में ये। अब इसको हम अच्छे से मल लेंगे। इस तरीके से इसको हमने मल लिया, और हमने जो मावा तैयार किया था उसमें अब हम शक्कर मिला देंगे। शक्कर मैंने नहीं पीसी है, साबुत शक्कर ही मिलाई। यदि आप चाहें तो पीस के मिला सकते हैं, और हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे, बराबर बराबर की। इस तरीके से लोइयाँ तोड़ेंगे हम एक साइज की, और हम इसकी लोई बनाएंगे अच्छे से। हम इसको बेल लेंगे। ज़्यादा पतली भी हमको ये नहीं बेलनी है, ज़्यादा मोटी भी नहीं बेलनी है। इस तरीके से हमको ये बेलनी है। इस तरीके सारी हम बेल लेंगे। इस तरीके हमने सारी लोइयाँ बेल ली, बराबर बराबर की बेलनी है हमने। यदि आपसे नहीं बेलती हैं तो किसी छोटी कटोरी की हेल्प से हम इसको काट के बराबर कर सकते हैं। अब हम एक ये लेंगे, इसके चारों तरफ हल्का सा पानी लगाएंगे। पानी लगाना ज़रूरी है वरना ये खुल जाएंगी। अब हम इसमें मावा भरेंगे। बहुत ज़्यादा मावा नहीं भरना है हमको, वरना ये फूटने का डर रहता है। अब हम दूसरी चंद्रकला इसके ऊपर रखेंगे और इसको अच्छे से दबा देंगे। इस तरीके से दबा देंगे, अच्छे से दबाना है हमको, नहीं तो ये खुल जाएंगी। और फिर हम इसको इस तरीके से ये तैयार कर देंगे, घूट देंगे। हमें सांचे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इस तरीके से ये दबाएंगे और इसको इस तरीके से कर देंगे। इस तरीके से मैं सारी चंद्रकलाओं को बना लूँगी। ये देखिए, ये बन गई।
इस तरीके से हम साड़ी बना लेंगे। इस तरीके साड़ी चंदला हमने बना ली। अब इसमें हमारे घी गर्म हो चुका है, यदि अब मैं घी में बना रही हूँ, यदि आप चाहें तो तेल में ही बना सकते हैं। और ये हमारे घी गर्म हो चुका है, चेक करते हैं। अब बेकिंग चंदकला को इस तरीके से डाल देंगे, बहुत ज़्यादा तेज फ्लेम नहीं करना है हमको, वरना ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। और अब हम इसको बिल्कुल सेम फ्लेम पर धीरे धीरे सिकने देंगे। इस तरीके से हमने बिल्कुल सेम फ्लेम पर पलटते हुए इनको ब्राउन होने तक सेक लिया। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका, ब्राउन हो गई है, बहुत सुंदर लग रही है देखने में। अब हम इनको निकाल लेंगे, गैस ऑफ कर देंगे और इसको निकाल लेंगे। अब जो हमने चाशनी तैयार करी थी उसमें हम एक एक चंद्रकला को इस तरीके से चाशनी में करके निकाल के रख देंगे। कर देखो चंद्रकला हमने निकाल ली, सभी में चाशनी लगा दी हमने। अब हम इसके ऊपर इलायची पाउडर बुरक देंगे इस तरीके से। ये इलायची पाउडर सब पे बुरक दिया और हम थोड़ी सी केसर भी लगा देंगे एक एक पत्ती सबके ऊपर, ये इस तरीके से। और ये हमने जो चेरी ली थी उसको भी हम इस तरीके से लगा देंगे। फ्रेंड्स, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें, जिससे मेरी नई रेसिपी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आपको मेरी चंद्रकला कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी का। थैंक यू।